हियर वी हैव डिविजिबिलिटी टेस्ट चार्ट, जिसके अंदर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये 5 के 5 नंबर्स जो हैं वो 2, 3, 5, 10 से डिविजिबल हैं कि यानी कि उनसे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते. राइट, नाउ फर्स्ट वी चेक द फर्स्ट नंबर विच इज़ 1872. टू चेक दिस थिंग कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, वी जस्ट हैव टू सी कि वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे 2 लिखा हुआ है, विच मीन्स येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2. के वी कैन सिंपली राइट येस. ठीक है, वी जस्ट हैव टू राइट द आंसर येस और नो. यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है येस या नो, यानी कि ये डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. लेकिन इसके लिए हमें टेस्ट करना है, यानी कि चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है. नाउ 1872 इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ये चेक करने के लिए क्या करना है, हमें इसको ऐड करने हैं. नाउ लेट्स ऐड दीज नंबर्स. 8 + 1 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18. नाउ 18 इज डिविजिबल बाय 3. येस वी हैव जस्ट चेक्ड इट, सो येस इट इज डिविजिबल बाय 3. नाउ फॉर चेकिंग डिविजिबल बाय 5 और नॉट, वी हैव टू सी कि वंस पे क्या नंबर है. वंस पे ना ही 0 है ना ही 5 है, तो इट इज़ मीन्स नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. और 10 में भी हमें यही चेक करना है कि वंस प्लेस पे हमारे पास 0 है या नहीं, नहीं है, सो इट मीन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. वी जस्ट सिंपली राइट नो. नाउ नेक्स्ट नंबर 53,250. नाउ वी हैव टू चेक इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द वंस कॉलम. वंस पे हमारे पास 0 है, 0 इज़ अ इवन नंबर, सो इट मीन्स येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2. नाउ टू चेक इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट, वी हैव टू ऐड दीज नंबर्स. सो लेट्स ऐड दीज नंबर्स. 5 + 5 = 10, 10 + 3 = 13, + 0 = 15. 15 comes in 3 table. Yes, 3 × 5 = 15. So yes, it is divisible by 3 also. Now it has 0. According to rule of divisibility of 5, if the number ends in 0 or 5, it can be divided by 5. So yes, it is this number also divisible by 5. And what about 10? In the ones place, it has 0. So it means it is divisible by 10 also. So this 53,250 number is divisible by 2, 3, 5 and 10. All the numbers. Now, let's check this one, 73,655. Now we have to see that the ones place has even number or not. 5 is not an even number, so mean it is not divisible by 2. So we just write no here. Now let's check it is divisible by 3 or not. We have to add all the numbers. What we do? 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 13, 13 + 3 = 16. Now 16 + 6 = 22. Now 22 comes in table of 3. No, 22 is an even number and it does not come in table of 3 also. So it will not be divisible by 3 also. Now 5, this number ends in 5, or you can say it starts in 5 because it, in ones place we have 5 here. So yes, it is divisible by 5. But is it divisible by 10? No, it is not divisible by 10. Why? Because according to rule number 4,
अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फोर द नंबर्स विच एंड्स और विच इन द यूनिट प्लेस विच हैव ज़ीरो, तमाम नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस में या वंस प्लेस में ज़ीरो आता हो सिर्फ वही नंबर डिविजिबल बाय 10 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, सो इट मीन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। नाउ 2971 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट? नाउ 1 इज नॉट एन इवन नंबर सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ चेक फॉर नंबर 3 डिविजिबल बाय 3 और नॉट, वी हैव टू ऐड दीज नंबर्स राइट। तो 9 + 1 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 2 = 19, 19 comes in table of 3. No, 19 does not come in table of 3. So what? So mean it is divisible by 3 or not? No. Now let's check for 5. Again 1. It is not 5 or 0, so no, it is not divisible by 5. Is it divisible by 0, 10? No. So mean this number is not divisible by any of the number, means 2, 3, 5, 10. Kisi bhi number se divide nahi ho sakta, you always have remainder. Okay? Now, 4720. 4720. Now let's check the unit place or ones place. We have 0, 0 is an even number. So yes, it is divisible by 2. Now what about 3? Let's, how do we check this? We have to add up all the digits. So let's add up 7 + 4, 11, 11 + 2, 13. 13 comes in table of 3. No, so it is not divisible by 3. Now what about 5? The number in which in the unit place we have 0, kya wo number 5 se divide ho sakte hain? Yes. Aur ye to humko pata hi hai ki wo tamam numbers jinke ones place pe 0 aata hai, that numbers are divisible by 10. So yes, it is divisible by 10 also. Now according to हमने rules को follow करते हुए हमने ये चीज़ें check करी, ठीक है, and that's how we find out कि these numbers are divisible by 2, 3, 5, 10 or not. I hope you all understand how to check that, how to do divisibility test of any number. Stay tuned for the next session. Allah Hafiz.